की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर सामने है। बीती देर रात हिस्ट्री शीटर को पकड़ने पुलिस की टीम गई थी। बताया जा रहा है कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में शातिर बदमाश विकास दुबे को पुलिस पकड़ने गई थी, तो वहां पर विकास और उसके 8 से 10 साथियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग शुरू कर दी और घर के अंदर और छतों से गोलियां यहां पर बरसाई गई। मरने वालों में बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा और साथ ही शिवराजपुर इलाके के एसओ महेश यादव भी शामिल है। विकास और उसके साथियों की फायरिंग में बिठूर के एसओ और एक दरोगा समेत कई पुलिसकर्मियों को भी गोली लगी है। आपको बड़ी खबर बता रहे जहां पर 8 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर सामने है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत दुखद यह घटना है, 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। क्या कोई अपडेट आपके पास कि आरोपियों को पकड़ लिया गया है या फिर किस तरीके से आरोपियों की तलाश की जा रही है? फिलहाल देखिए, एक शातिर अपराधी है विकास दुबे, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। उसके ऊपर करीब 7 मुकदमे जो है वो दर्ज है। फिलहाल मौके पर जो पुलिस की टीम गई थी उसमें से 8 पुलिस के जवान है वो शहीद हुए हैं, जिनमें से एक डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा, 3 सब इंस्पेक्टर और एक एसओ और 4 कांस्टेबल है। फिलहाल मौके पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंच चुके हैं और एसटीएफ की टीम को भी रवाना कर दिया गया है और जो आरोपी है उसकी तलाश के लिए टीमें सभी दे रही है लगातार। जी विशाल, जो ये मुख्य आरोपी है वो कितने समय से पुलिस उसको तलाश कर रही है और कौन से मुख्य मामले हैं जो उस पर दर्ज है, इसके लिए क्या जानकारी आपके पास? विकास दुबे की मैं बात कर रही हूँ। चले, संपर्क फिलहाल हमारा टूट गया है। कानपुर से आपको खबर बता रहे जहां पर मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर सामने है। बिल्हौर सीओ और साथ ही शिवराजपुर सीओ की मौत की खबर यहां पर सामने है। घर के अंदर और छतों से गोलियां यहां पर चलाई गई। विकास दुबे जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पुलिस टीम यहां पर पहुंची थी, लेकिन ताबड़तोड़ फायरिंग कर पुलिसकर्मियों पर ही हमला यहां पर देखा गया और इस मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर सामने है। फिलहाल पुलिस लगातार तलाश कर रही है जो आरोपी हैं, उनकी कोशिश यहां पर की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी आरोपियों को पकड़ा जा सके। बहुत दुखद ये मामला सामने आया है जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत की खबर सामने है। जिनमें एक डीसीपी भी शामिल है, ये खबर सामने आ रही है। कानपुर से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर पुलिस पर ये फायरिंग की गई। पुलिस विकास दुबे जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ने के लिए पहुंची थी और इसके बाद पुलिसकर्मियों पर ही गोलियां चलाई गई।